दोस्तों, अमेजन जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेजन जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं, और ऐसा कहा जाना एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अमेजन जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका सिर्फ 25% भाग ही देखा जा सका है, और बाकी के 75% हिस्से में क्या कुछ ये जंगल हम मनुष्यों से छुपाए बैठा है अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए हैं। इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई खोज निकलकर सामने आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अमेजन जंगल के बारे में कुछ खास चीजें तो बताएंगे, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जंगल का निर्माण कैसे हुआ था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और विचित्र प्रकार के जीव जंतु अमेजन के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इस समय धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजन ही है। इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को देखे जाने का भी दावा किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का क्लाइमेट बिल्कुल वैसा है जैसे कई लाख साल पहले धरती का हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद हैं, जो कि बस अमेजन जंगल में ही मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, अभी तक अमेजन जंगल का आधे से कम एरिया ही देखा जा सका है, और बाकी का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा घना है कि इसके अंदर जाना ही किसी जोखिम से कम नहीं है, और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि आपने जाना, इसका क्लाइमेट लाखों सालों पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक भी इस जंगल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेजन जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आदिवासियों की कई प्रजातियां भी निवास करती हैं, और इस जंगल के अंदर कई प्रजाति तो ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ये अमेजन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अमेजन जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी बातें सामने आती रहती हैं। अक्सर यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट और स्टडी चलती रहती है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले, साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया कि अमेजन जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है उतनी और कहीं नहीं जाती। इसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है, और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। साइंटिस्ट कार्लोस नोबेल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेजन जंगल को आज के समय काटा जा रहा है वह इस पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये जंगल पूरी दुनिया को 20% से अधिक साफ ऑक्सीजन प्रदान करता है। अमेजन जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि ये 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जिसमें से 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। आप एक बात जानकर शॉकिंग होंगे कि जितने जानवर इस पूरी पृथ्वी में देखे जाते हैं उसके एक तिहाई जानवर अकेले अमेजन जंगल में देखे जा सकते हैं। इस जंगल के पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब बताई जाती है, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, अमेजन जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली बुलेट चींटियां कोई साधारण चींटियों जैसी नहीं है। कहा जाता है अगर ये किसी इंसान को डंक मार दे तो बंदूक की गोली लगने जैसा महसूस होता है। देखने में भले ही ये नॉर्मल चींटियों की तरह छोटी ही है, लेकिन इनके डंक में बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है। चींटियों के बाद यहाँ पर मकड़ियों की भी चर्चा बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ियों की 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर खतरनाक और जहरीली ही होती हैं। इस जंगल की टेरेंटोला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है ये मकड़ी अपने बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह उपयोग करती है। अगर गलती से ये किसी इंसान की आंख में लग जाए तो बुरी तरह से घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बस यहीं देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई इस जंगल के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन इन सब से जो बेहद खास है
वो ये है कि ये जंगल बना कैसे, ये जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने लगभग आधी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ स्टडी से पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्ट्रॉइड एक नए नियोड ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्ट्रॉइड के कारण हुआ जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था, और इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसने धरती के पूरे रुख को ही बदल दिया। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्यतः दो कारणों से हुआ जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशानी मिटा दिया। सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर साइज जितना विशाल एस्ट्रॉइड हमारी धरती से आ टकराया, और इस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बाद कई किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर में समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस टक्कर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए। अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए और प्रकाश की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगी। इस मास एक्सटेंशन के बाद चूहे की तरह दिखने वाले मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आईं, जिन्होंने कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद मैमल्स से बंदर और बंदरों से इंसानों का रूप लिया। ये एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर ये उल्का पिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर कभी खत्म ही नहीं होते और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। और ये एस्ट्रॉइड यानी उल्का पिंड ही वो कारण है जिसकी वजह से अमेज़न जंगल इतना ज्यादा घना है जहां पर कई अनेकों जीव रहते हैं। दरअसल आज जिस जगह पर अमेज़न जंगल है वहां पर डायनासोर के समय बहुत ही लंबे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर की प्रजाति में कई शाकाहारी डायनासोर भी होते थे जो कि इन पेड़ों को बढ़ने का मौका कभी नहीं देते थे क्योंकि वो इन पेड़ों को बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो ये उल्का पिंड था वो बिल्कुल ठीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था जिसकी वजह से उस टाइम में ये जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहाँ पर कोई भी जीव नहीं बचा, साथ ही ये जगह पूरी तरह से रेडिएशन से भर गई। इस उल्का पिंड का तापमान इतना अधिक था कि इसने सभी हरे भरे पेड़ पौधों को जला दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की स्थिति शांत हुई और यहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। पेड़ पौधे उगना फिर से शुरू हुए, लेकिन अब की बार पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव मौजूद नहीं था जिसकी वजह से पेड़ पौधे बड़ी तेजी से बढ़ गए। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जंगल की जगह को बर्बाद कर दिया था उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की, क्योंकि इस उल्का पिंड के गिरने की वजह से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नर्म और फर्टिलाइज हो गई थी। ये जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो दुनिया के बाकी जंगल और अमेज़न जंगल के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी अजीब तरह की वनस्पतियां और पेड़ मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अमेज़न जंगल की बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता है क्योंकि किसी ने इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है उल्का पिंड से गिरने की वजह से इस जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ पौधे बाकी किसी भी जंगल से बहुत ही ज्यादा घने हैं और ये भी कहीं ना कहीं उस उल्का पिंड से ही जुड़े हैं। आपको एक बात शायद पता होगी कि जब भी कोई वॉल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन यही लावा कुछ सालों बाद नए जीवन की शुरुआत करता है। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए तो कहते हैं किसी चीज का अंत किसी के लिए आरंभ होता है। क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन से पहले भी चार एक्सटिंक्शन हुए थे। ये एक्सटिंक्शन थे आर्डोविसियन मास एक्सटिंक्शन, डोवोनियल मास एक्सटिंक्शन, परमियन मास एक्सटिंक्शन और ट्रायसिक जोरासिक मास एक्सटिंक्शन, और इसके बाद हुआ था क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। और इन्हीं सब एक्सटिंक्शन की वजह से धरती के एक जीवन को नष्ट होना पड़ा जिससे नए जीवन को अस्तित्व में आना पड़ा।
वैसे ही एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम मानवों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद दूसरा जीवन आएगा और वो होगा छठा मास एक्सटिंक्शन। और देखा जाए तो हम इंसान इतनी तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और धरती से जंगलों को साफ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था।